किसानों के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन सीमावर्ती बाड़मेर जिले में समदड़ी इलाके के किसान जोधपुर और पाली जिले में स्थित टेक्सटाइल इकाइयों से लूनी नदी में रासायनिक पानी आ जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें चौपट होने के साथ सरकार किसानों के हित के लिए एक रुपया नहीं दे सकती है। और इस रासायनिक पानी आने से ये बाड़मेर जोधपुर बॉर्डर पर बने गांव रामपुरा के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस लूनी नदी की गोद में बाड़मेर की पीढ़ियां पली बढ़ी, जिसका पानी जीवन बनकर बाड़मेर के समदड़ी इलाके के लोगों की रगों में दौड़ रहा है, वही लूनी नदी अब दम तोड़ रही है। पाली और जोधपुर की टेक्सटाइल यूनिट लूनी नदी में जहरीला केमिकल छोड़ रही है। किसानों और इलाके के लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन को तैयार है। जिन जमीनों पर लूनी के पानी से हरा सोना लहलहाता था, वहां अब जहर उग रहा है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रदूषण की स्थिति ऐसा है कि पानी रासायनिक पाली फैक्ट्रियों आ रही है, पानी आए और जो बेरा रही फसलों कोई उगी नहीं है, भयंकर खारो जहर पानी है और रासायनिक बेरा नष्ट हो गया, जमीन नष्ट हो गई। लूनी नदी को बचाने के लिए किसान आंदोलन, धरना प्रदर्शन और यहाँ तक की आत्महत्या तक के लिए तैयार है। अब इंतजार है सरकार के एक्शन का। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।